चलू है क्यों? जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। और सरदार जी? और ठीक है। कहाँ चलना है इतनी? कहाँ चलना, जहाँ मैं कहूँगा वहीं चलना है, और जो कहूँगा वही करना होगा। आप जो कहेंगे आपका हुक्म सर आंखों पे। आओ चले चले आज ये पहाड़ी एरिया की तरफ, इधर। हाँ चलिए सरदार जी, चलते इधर, देखते हैं कोई माला माल आदमी मिलेगा तो उसको लूटेंगे। कोई माल मिलेगा, कोई बरात वगैरह मिलेगी, हम उसे लूट करके अपने पहाड़ी की तरफ ले जाएंगे। हाँ, चलो जाके। तैयार हो लिए बारात चलने के लिए? क्या अकेले चलोगे? और कोई नहीं मिला? अभी कोई नहीं मिला। और लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं? अबे कब तैयारी बनावत है तैयारियां? तब तक तुम अगर वहां जाओगे तो डांस गाना जानते हो? कैसे गाना गाया जाता है, डांस कैसे किया जाता है? क्योंकि अरे रुक जाओ, ये बताओ जब वहां पे तारे की चार होगी तो क्या गाना कोई गा सकते हो तुम? तो गाना सुना करके डांस दिखाओ हमें। महाराज जी को वहीं सुवासा यही आए हम बराती। रुको, आए हम बराती, बारात लेके दूल्हे को जाएंगे अपने साथ ले। महाराज जी, अरे राजा महाराजों की बारात है, कोई लेडीज नाचने वाली हो तो ज्यादा मजा आएगा। मकरंदी, क्या कोई नाचने गाने वाली की व्यवस्था तुमने नहीं किया? बोला ये हेलो, एक काम खा यार, अरे नाचे गावे वाली बुला ले। अरे नाच गा लो, बारात जल्दी विदा कर देना। अरे कहा और जाइए। अरे घबराओ ना, नचनिया का बोला के लाओ। ओ, ओ नाचने वाले। अरे यार राजा महाराजा की बारात आ, हाथी घोड़ा तो जाते ने, नचनिया का है रही। इधर आओ। क्या है? कहाँ रहे हो? मैं अभी तक अपने रूम में। धंधा खूब चला था क्या? अरे सहाला की ना, ऐसा करो हमारे राजकुमार जी की बारात जा रही है। अच्छा। और उसमें तुमको नाचना है। हमको बहुत रुपए मिलेगा। अच्छा। हाँ कि सुनाइए, नाचते चलिए। सही। अरे हाल क्या है दिलों का, न पूछो सवाल। हाल क्या है दिलों का, न पूछो सवाल। आपका मुस्कुराना गजब रहा गया।
उसे बताना पड़ेगा वरना एक एक बरातियों को सबको खत्म कर दूंगा। कौन है तू? निशान मिटा दूंगा। कौन है तू? शायद तुझे मालूम नहीं कि महाराज आल्हा आला के लाल की बारात सिखाने जा रही है। इसलिए हमारा कहना मालो कि तुम डाकू हो, हमारा रास्ता छोड़कर यहां से दूर हट जाओ। कुछ नहीं, जो बारात का मालिक है काम उसी से है और सभी बरातियों से नहीं है। जो इस बारात का मेन है उससे मुझसे मतलब है। मैं गंगाराम डाकू हूं। अगर तू गंगाराम डाकू है तो आ, इस बारात का मालिक मैं हूं। मैं ठीक है तो क्या इसका मतलब जो सोना चांदी रुपया है ऐसे में नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। नहीं देगा तो मैं आ रहा हूं तेरे पास। हाँ, मेरे पास उससे सामना हो। हाँ। गंगाराम
ये आला है और आला के सामने से हर जय गंगाराम। मेरे बेटे ईंदल की बारात जा रही है क्योंकि मुझे बड़ा बुखारे जाना है और चित्ररेखा को बहु बना के मुझे कर्म होवे लाना। लेकिन तेरी बहु नहीं आने पाएगी, क्यों बहु के पास नहीं आने पाएगा, ये मेरा वादा है। क्यों नहीं आने पाएगी? अगर तुझे अपनी ताकत पे घमंड है तो आ गंगाराम, ये महाराज आल्हा लड़ने के लिए तैयार है। राजा तेरी वीरता का घमंड चूर हो गया गंगाराम। अभी बहुत हमारी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है, अभी बहुत बड़ी ताकत है, अभी भुजाओं में ताकत है, से बाहर कर गंगाराम डाकू। गंगाराम अभी तूने सिर्फ तलवारबाजी लड़ी है, अब देख भुजाओं का बल किसके पास कितना है। महाराज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू गंगाराम, क्योंकि तुझे आज महाराज आल्हा से बगावत किया है। ठहरो महाराज, ये और कोई नहीं आपके छोटे भैया हैं। भैया भैया छोटे भाई, उसन मेरे प्रिय भाई, मेरे भाई उदय भैया, भैया तू कहां थे? अपने भाई को इस प्रकार से छोड़ कर तू चला गया था भैया? वो मेरी किस्मत में लिखा था, वो आपकी गलती नहीं। मेरी किस्मत का लेख पता नहीं मुझे दर दर की मोड़ पे कहां कहां ले गया, और आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारा भाई जिसे जल्लाद को दिया था, आज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारा भाई आ गया। आज यही नहीं, मैं तो तुम्हारी ताकत अजमा रहा था। जब कभी आज कोई काम फंसता था तो भैया उदयराज को आप याद करते थे। आज इसीलिए उदयराज आपकी ताकत को अजमाया कि मेरे भैया में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी हस्ती है, तो भैया मुझे माफ कर दे। उदय उदय तू अपने भाई को माफ कर दे। हाँ उदय, जाने अनजाने में आज के भाई से कितनी बड़ी घटना घट जाती है। नहीं मैं जाऊंगा, तू निर्दोष मेरे भाई, देख सब फिक्र को छोड़ करके आज आज हमारा बेटा ईंदल का विवाह हो रहा है और खुशी से सब लोग मिलकर के हम बलग बुखारे चलेंगे और वहां पे अपने बेटे का विवाह करके चित्ररेखा को बहु बना करके भैया हम बहु पे गाँव। चिंता न करें, आप चले महल में बैठे, मैं वादा करता हूं कि बेटा ईंदल की शादी करा के बलग बुखारे से बहु मैं लेके आऊंगा। आप चले भैया, आप चले बैठे शाम भैया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर वक्त तत्पर है।
बच्ची भाई एक बात सुनी, पूरे नहीं मानना, तुम्हारे जाने के बाद हमेशा तुम्हारा ही नाम जपते रहते थे वो, यही कहते थे कि मेरा भाई उदय राज होता तो मुझे इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। अभी आंखों से आंसू नहीं गिरो, अब तो जो मुझे करना है, जो मेरी किस्मत का लेख था वो मुझे भोगना पड़ा, तुम्हें भोगना पड़ा। अब मैं बहू तुरंत तत्काल तुम्हारे लिए बहू बला बुखारा से लेके आऊंगा, बेटा इंडल को लेके जा रहा हूं मैं शादी कराने। आप जाइए बारात लेके और जल्दी से बहू को हमारे पास, ठीक है? और चलो भैया मकरंद। अरे आ गए राम खेलावन भैया जी, बड़े खुद बड़े बुजुर्ग से चल करके आ रहे हैं, 101 रुपए घर मालिक के व्यवहार दे रहे हैं। अब व्यवहार दे वाले का हम कहे दे, व्यवहार अगर दे हो 100 रुपया तो 50 रुपया ये हुनका दे हो, हाँ नहीं व्यवहार न दे हो। अब व्यवहार में अपने नाम न दे हो तो दादी में खोपरी तुम फोड़ेंगे। हेलो, अरे बारात चले गया। अरे बारात और क्या, अरे बारात का तुम बहुत शौक, हमारे बेटे की बारात आज चलना है। अरे चल के ले नाश्ता तो पहले बाबर का हलवा आ गया है, चलो वो कहीं चराही के लग घर आई थी, चलो चले आओ, चलो चलो चलो। अरे धीरे धीरे बबुआ बढ़ावा परी गोरे गुआ सारे भेड़ी पिया तनवा, चल बसमा बसमा पाई हम बैठ चले नहीं जगह ना मिली। और ये आगे काली चरण भैया मान सिंह के पुरवा के रहने वाले हैं, उनकी ओर से 100 रुपए घर मालिक के व्यवहार और 11 रुपए हमारे पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी आज सुविधा हो जाएगी, अब इसके साथ घूमेंगे, किसके साथ टहलेंगे, हम ही दोनों लोग टहलेंगे। चलो चलो चलते, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया देखो बहू को लेके आ गई है, शादी तुरंत तत्काल कराइए, क्यों करके नहीं भाई, धूप हो जाएगी, क्या फायदा। अरे हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी राजकुमारी है, इनकी शादी हो रही है। तुम अबे तुम्हारा नहीं थे? नहीं अभी शादी नहीं हुई। नहीं बे नहीं, अबे हम विधवे ना जी थी क्या? हाँ विधवा। हाँ आपका अरे यानी कुंवारे हो क्या? हाँ यहाँ पे हम कुंवारे में लाग, कुंवारे में लगे। अच्छा तो ठीक है, अरे क्या है तुम्हारे उनके तो दिया हुआ था, तुम्हें मौका अच्छी लागे, हम तुम्हारा सेटिंग हो जाओ। सेटिंग कर रहा है
तुम्हारे तो देरन की लागे। मायका बना खा का परत हमारे दिल से पूछो उनका देर और तुम्हें सेटिंग की लाग लाग सेटिंग का ही का एक कैसे पीछा छूटे एक ए, पकड़ो। मेरी सगाई पक्की हो चुकी है और अभी वो मेरी एक सहेली उसकी नहीं हुई यही की हाँ यह तो शांति शांति लागत टीवी की मरीज ही कहा ऐसे कैसे तुमको मालूम कि हम मरीज हैं नहीं तुम शांति शांति हो अरे ऐसी मेरी शरीरी है दुबली पतली हो ना दुबली पतली और नहीं तो क्या मेरे साथ बिया कई ले छमना खबावा कर हाँ। क्या होता है छमना 12 नंबर खा शरीर तुरंत बनाओ पहले अपने को देखो और मुझको देखो मेरी लंबाई कितनी है मोरे तुम छोटे पड़ोगे मेरे से हाँ। मोरे शरीर मना जाए अटारिया में चढ़ जाई हो तो इसे लंबा नजर आई हो अरे अटारी में चढ़ोगे तब लगोगे ना इसीलिए तो कह रही हो मेरे चक्कर लाओ भैया कराई कौनो न फांसी है चलो ओ बच्चा हनुमान हाय हाय हनुमान के मेहमान हाँ वही यार अरे भैया हुआ तो हाथ ना उठाओ यह तक तो बिटिया के मसाक देने अंदरूनी चोट लग गए तो तुम अहन कर से आके कपारी हैं लाओ आओ वही पकड़ाओ भैया मैं बिया करे जात हो धीरेन भैया अरे करुआ से नहीं नहाया लावा परत हो आया माँ बना है दाल भात की सरबोट के खा ली ओम मंगलम मंगलाय ओम गणध्वज ओम स्वाहा मंगलम मंगलाय गणध्वज ओम गौरी पुत्र नमम ओम स्वाहा ओम मंगलम मंगलाय ओम तवार सोमवार मंगलम बुद्धम स्वाहा ओम औरम गौरम महादेव महादोम ओम शंकरम गौरम नमो नमो स्वाहा गौर महात्मा अरे रात का है तई तई रोक जा तुम तई के छिंगी लाओ एक छोड़ो तुम तई के सिंदूर निकालो अरे यार गौरा गौर अरे सिधौरा यह नहिया सिधौरा धाते का ही है निकालो अरे आराम से कर पालो ना पूरा सिंदूर बेकार तई के बिट्टी के छुआ दे तीन बार ओम मंगलम मंगलाय ओम मंगल ध्वज ओम स्वाहा घर मालिक साहब जहाँ कहीं भी हो फौरन आ जाए व्यवहार अपन लिखा दे बाद में न कहो हम नहीं लिखा पा मंगलम मंगलाय ओम मंगल ध्वज ओम गौरे नमो नमो ओम शंकराय ओम बुद्धाय नमो स्वाहा अब ऐसा करो दोनों जन पहतम हाथ लगाओ आप लोग ताली बजाओ हो गया है आप ऐसा करिए पांच छू लीजिए लड़का के आप आशीर्वाद दे दीजिए आप सदा सुहागन रहे अभागन रहे आप तूतो फूतो फलो नौ नौ लड़का हो चुरीमा हो जाओ आप लोग मिस कॉल नहीं मारना अगर मिस कॉल तुम मारोगे तो झाड़ू की मार पाओगे इसलिए मिस कॉल नहीं मारना आप बिट्टी खड़ी हो जाओ मालिक साहब आप दक्षिणा दो हम निकले निकलोगे अरे अपने साथी नौवा का ले जाके एक पौवा पिया नौवा वो नौवा है और तुम तो हमारे साथ है तो हमारे साथ चलना है कहाँ निकले अरे हम निकले तुम विदा करा के आयो अरे हम विदा करा लेंगे जल्दी ना साथ ही चलना होगा हाँ बहुत बड़ा नाग मिलेगा ठीक है ना बहुत बड़ा नेक मिलेगा हेलो तो लीजिए दोस्तों यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ जिस बच्चे को कुपलन में प्रोग्राम रखा गया उस बच्चे को ले अरे तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है अरे
भैया गए नरेश भैया यही ग्राम आतुपुर के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। ये जो हमने शादी कराया हमारे लिए और कहते हैं सारा होना चाहिए। आगे हमारे बाबू जी यानी